कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए रिपब्लिक बीपीएससी वाला को और करे अपने बीपीएससी एग्जाम्स का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिपब्लिका। मैं आपसे का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ही ठंड का माहौल है, इस ठंड में पढ़ाई भी करनी है और एग्जाम भी देना है। ठीक है, सामने में दिख रहा है कि नवोदय विद्यालय में नामांकन के लिए 30 जनवरी तक का आवेदन का डेट रखा गया है। जो लोग नवोदय विद्यालय का एग्जाम दे रहे हैं, जिस घर में भी आपके छोटे भाई बहन भतीजा बेटा जो भी है, मतलब सगे संबंधी, तो उनको आप इन्फॉर्म कर देंगे कि 31 जनवरी लास्ट डेट है। थोड़ा सा डिटेल में हम लोग देख लें कि इसमें क्या पेपर में कटिंग आई है। एज इट इज हमने ले लिया है। तो नवोदय विद्यालय समिति ने छठी कक्षा में नामांकन के लिए आवेदन की तिथि जारी कर दी है और यह एकेडमिक सत्र 2023-24 के लिए होगा, जिसमें छठी कक्षा के लिए पंजीयन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। नामांकन के लिए छात्र नवोदय विद्यालय गवर्नमेंट इन पर जाकर के, ठीक है, गवर्नमेंट इन पर ये जो इसका साइट है नवोदय विद्यालय गवर्नमेंट इन पर जाकर के 31 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, याद रखना है 31 जनवरी छठी कक्षा में नामांकन के लिए JNVVCT 29 अप्रैल 2023 को आयोजित किया जाएगा जो टेस्ट है, और टेस्ट का रिजल्ट जून में दे दिया जाएगा। एग्जाम आपका अप्रैल में होगा और रिजल्ट जून में दिया जाएगा। ठीक है, नामांकन की योग्यता के अनुसार छात्र संबंधित जिले के निवासी होना चाहिए जहां जवाहर नवोदय विद्यालय स्थित है, यानी अपने डिस्ट्रिक्ट में ही आप नामांकन करेंगे। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि जहां जवाहर नवोदय विद्यालय स्थित है, छात्रों का शैक्षणिक सत्र 2022-23 में सरकारी सहायता प्राप्त या उसी जिले में मान्यता प्राप्त स्कूल में कक्षा पांचवी में भी अध्ययनरत होना चाहिए। सिंपल सी बात है, छठी क्लास के लिए है तो उस जिले में आपका किसी भी स्कूल में आप अध्ययनरत हो, उसका आप सर्टिफिकेट ताकि आप एलिजिबल करवा सके। ठीक है, तो वह आपके पास होना चाहिए पांचवी क्लास का। तो जो बच्चे अभी पांचवी क्लास में पढ़ रहे हैं और आगे छठी क्लास के लिए जो 1 अप्रैल से या 1 जून से सत्र शुरू होता है, तो वो लोग इसको भर सकते हैं। रिपब्लिका के प्लेटफॉर्म पर आपको इसकी तैयारी, क्योंकि रिपब्लिका ऑनलाइन में अच्छा काम कर रही है, टेस्ट वगैरह में अच्छा काम कर रही है, तो इसमें जो भी टेस्ट सीरीज है या जो भी स्टडी मटेरियल है वह अवेलेबल करा दिया जाएगा। चाहे नवोदय विद्यालय हो, जो भी एंट्रेंस एग्जाम या सैनिक स्कूल की चीजें हो या यूजीसी नेट हो, इन सब का रिपब्लिका के प्लेटफॉर्म पर टेस्ट सीरीज आकर के आप दे सकते हैं, स्टडी मटेरियल को भी आप एक कर सकते हैं। तो आप रिपब्लिका के ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे जहां पर आपको सारी चीजें, आपको वहां पर टेस्ट सीरीज आदि चीजें मिल जाएगी। सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा ये भी थोड़ा सा देख लें कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा जो आयोजित किया जाता है सैनिक स्कूल एग्जाम, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम के लिए सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी कर दिया गया। परीक्षा 8 जनवरी को होना है, और एडमिट कार्ड से पहले शहर के बारे में इंटीमेट कर दिया जाता है कि किस शहर में आपका सेंटर पड़ेगा, तो इसके लिए सैनिक स्कूल ने जारी कर दिया है। बालाकी नवोदय विद्यालय का क्लियर है और रिपब्लिका के ऐप पर, वंस अगेन रिपब्लिका के ऐप पर क्या होगा, आपको वो हेल्प मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इस ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे बच्चे लोग या आपके घर परिवार में जो लोग भी नवोदय विद्यालय के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, तो वहां से आपको हेल्प मिल जाएगी रिपब्लिका के ऐप पर। इसके लिए एक अलग से प्रोग्राम कोर्स चलाया जा रहा है। तो फिर हम अगले वीडियो के साथ मिलते हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन होगा इससे संबंधित, डेट्स ऑल।